तो चलिए दोस्तों, कैड के 3D लेक्चर्स के सेकेंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और 3D के टूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय क्यों लगाओ भाई, स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कैड में आ चुका हूँ। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने इंट्रो पार्ट बता दिया, और इसमें हम लोग 3D मॉडलिंग में काम कर रहे हैं, जो कि कैड 10 या 13 कोई भी रहने दो, 18 17 व्हाटएवर 3D मॉडलिंग में काम करो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, पिरामिड एंड वेज शेप्स, तो ये शेप्स यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। रेडीमेड शेप्स आपको मिलते हैं और ये ड्रॉ करना काफी आसान है। आप बिना डायमेंशन के अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो बस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्लिक हो गया, ड्रॉ हो गया। बिना डायमेंशन के आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डायमेंशन रैंडमली माउस सिलेक्ट से आ सकता है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनते हैं। बस आपको क्लिक करना है और ऊपर लेके जाना है माउस को और ऐसे क्लिक करना है, जैसे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसे आप माउस वहां पे घुमाओ, बस आपको ये ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहा है। स्पेयर है, पिरामिड है, वेज है, सब शेप यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको डायमेंशन के साथ ड्रॉ कैसे करना है वो आगे तो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये 3D ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल ए करके आप यहाँ पे, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, अभी फिलहाल मेरा ये काम नहीं कि आपको बिना डायमेंशन का कुछ भी ऑप्शन आप ड्रॉ करना बताऊँ। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ काम की चीज बता देता हूँ, बॉक्स डायमेंशन के साथ कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है, तो आप पहले स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे एल इंटर प्रेस कीजिए। एल इंटर करने के बाद एल के बाद लेंथ आएगा और लेंथ आपको इंटर करना है। सपोज लेंथ मैंने इंटर किया यहाँ पे सपोज 10, और यहाँ पे विड्थ एंटर करना है 6। लेंथ के बाद विड्थ आएगा और विड्थ होने इंटर होने के बाद यहाँ पे आपको देना क्या है, आपको हाइट देनी, तो हाइट देना है 5। तो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ हो चुका है, और जो कि मैं यहाँ पे इसका व्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मैं आप ऐसे दिखा सकता हूँ टॉप व्यू। ये जरा मेरा एंगल यहाँ पे रोटेट हो चुका है इसलिए ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको दिख रहा है। तो मैं आपको जरा इसे सीधा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर से मैं बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरफ एंगल रख देता हूँ इस तरह से। अब मैं आपको एल इंटर करके दिखा रहा हूँ, एल इंटर। अब एल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एफेक्ट ऑन करना है, और एफेक्ट ऑन करने के बाद लाइन सीधी रख देनी ताकि इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा ड्रॉ हो जाएगा। एफेक्ट ऑन नहीं रहेगा और तो ऑन नहीं रहेगा तो क्रॉस ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो अभी मैं आपको 6 बाय सपोज लेंथ लिया मैंने 6, और विड्थ यहाँ पे स्पेसिफाई किया 4 6 बाय 4, और हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 5। तो आपको दिख रहा है ये प्रॉपरली आ चुका है। तो इस तरह से लेंथ, विड्थ एंड हाइट देके आप इस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और सिलेंडर के लिए आपको क्लिक करना है, सिलेंडर में आप दे सकते हैं यहाँ पे रेडियस। रेडियस सपोज एक सेंटर पॉइंट ले लिया मैंने, फिलहाल रेडियस मैंने 3 का दे दिया यहाँ पे, रेडियस 3 एंटर किया, और हाइट उसका जो देना है आप दे सकते हैं, सपोज हाइट 6 दे दिया। तो इस तरह से ये यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ हो चुका है। तो ये डायमेंशन इस तरह से देखिए इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है। फिलहाल आप ये ड्रॉ ऑब्जेक्ट ही डायमेंशन से ड्रॉ कीजिए, कोन वगैरह की जब भी जरूरत पड़ेगी तभी मैं आपको बताऊंगा, रैंडमली आप ड्रॉ करके रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग टाइम जाया नहीं करेंगे क्योंकि ये सब ऑप्शंस रेडीमेड दिए हैं दोस्तों। अभी एक्सट्रूड में ये जो ऑप्शंस है इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक्सट्रूड के अंदर का जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन एक्सट्रूड क्या काम करता है यहाँ पे, और उसका हम लोग किस तरह से हेल्प ले लेंगे, और उसके बाद हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शंस दिखा देता हूँ आपको। रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और डी इंटर कर रहा हूँ, तो 20 बाय 10 का रेक्टेंगल है मेरा ये। 20 बाय 10 का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको मैं इसे यहाँ पे रख दिया मैंने, और मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूंगा, एक्सट्रूड मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, राइट क्लिक एक्सट्रूड, ऐसे एक्सट्रूड हो जाता है। फिलहाल ये ऐसे एक्सट्रूड हो गया, चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात मुझे बता देनी है आपको कि इस टूल के साथ साथ मैं आपको और एक टूल बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पहले एक्सट्रूड हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, अपनी मर्जी से अपने एक्सट्रूड कर दिया है, लेकिन अभी ये इतना ऑब्जेक्ट नीचे है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इतना एक्सट्रूड और करना चाहता हूँ। तो एक्सट्रूड फेसेस उसके लिए ऑप्शन है, मतलब आप एक्सट्रूड होने के बाद दोबारा एक्सट्रूड तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन एक्सट्रूड फेसेस जरूर यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक्सट्रूड फेसेस पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ एक्सट्रूड फेसेस पे, दोबारा रिपीट एंड रिटर्न दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जरा जल्दबाजी की बताने के लिए। यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करने के बाद एक बात याद रखना है कि फेसेस एक्सट्रूड होगा तो आपको सरफेस सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पे क्लिक नहीं होगा, आउटलाइन पे कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे इनर आउटलाइन दिख रहा है वहां पे नहीं, आप इस सरफेस पे क्लिक करोगे जो कि आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सरफेस पे क्लिक करोगे, मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है सरफेस पे, तो आपको ऊपर का सरफेस सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक कीजिए, आप एंटर कीजिए, राइट क्लिक और एंटर ना भूलिए, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिए, इतने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एंटर बटन प्रेस कीजिए, हो गया एक्सट्रूड फेसेस।
तो एक्सट्रूड फेसेस क्या होता है ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक्सट्रूड फेसेस में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जो कि टैपर है, मूव फेसेस वगैरह सभी ऑप्शंस है, तो ये यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सट्रूड फेसेस के साथ साथ आगे के ऑप्शंस यहाँ पे, लेकिन पहले एक्सट्रूड फेसेस का ही देख लो। एक्सट्रूड फेसेस में यहाँ पे दोबारा इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और -2 लिख रहा हूँ, -2 और दो बार एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार एंटर करने से पहले फिर से आपको एंगल पूछेगा, एंगल तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, इसलिए दोबारा एंटर। तो ये माइनस होता है और प्लस भी होता है। एक्सट्रूड किया इस रेक्टेंगल को, राइट क्लिक एंटर, और मैंने कुछ नहीं एंटर किया, मतलब 2 एंटर किया, प्लस साइन वगैरह नहीं एंटर किया, डायरेक्टली 2 मतलब एक्सट्रूड हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। और एक्सट्रूड फेसेस लेके इस शेप को मैं -2 करता हूँ, इस शेप को -2 से आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। तो एक्सट्रूड फेसेस में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और ये यहाँ पे समझ में आएगा। एक्सट्रूड फेसेस में टैपो फेसेस भी है, मूव फेसेस भी है। टैपो फेसेस क्या होता है, आपको यहाँ पे जैसे इफेक्ट दिख रहा है, मतलब टूल दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, टूल जैसे दिख रहा है वैसे काम होता है जैसे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, क्लिक कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, राइट क्लिक कर रहा हूँ, एंटर, जी हाँ एंटर करो, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टैपर करना चाहता हूँ, और मैं 10 का टैपर करना चाहता हूँ। तो आपको दिख रहा है वो जो मैंने लाइन सेलेक्ट की थी वो ऑब्जेक्ट उस तरह से टैपर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसे जरा अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, मैं आपको अलग तरीके से टैपर करके दिखा दूँ। टैपर फेसेस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंटर, ऊपर का सरफेस ही मैंने सिलेक्ट किया फिलहाल, इस पॉइंट को उधर से देखो, अंदर से मैंने सिलेक्ट किया, इस तरफ सिलेक्ट किया और टैपर दे दिया 10 का, 20 का आप टैपर दे सकते हैं इस तरह से। तो 10 का एंटर किया तो आपको दिख रहा है ये टैपर इस तरफ हो चुका है। तो टैपो फेसेस क्या है यहाँ पे समझ में होगा उम्मीद करता हूँ, तो मैं इसे भी अंडू कर देता हूँ। टैपो फेसेस किस तरह से करना है, कोई भी फेस को आप कर सकते हैं। मूव फेसेस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मूव फेसेस सिंपल है, सब एकदम सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सरफेस पे आप क्लिक करो, ये सर्कल के ऊपर का, राइट क्लिक करो, एंटर करो, और यहाँ पे इस पॉइंट को क्लिक करके आप ऊपर क्लिक कर दो। मूव फेसेस वैसे एक्सट्रूड की तरह काम कर रहा है, लेकिन मूव फेसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे भी लेके जा सकता हूँ ऐसे। तो मूव फेसेस में आप ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर या नीचे डायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे उस डायरेक्शन में वो ऊपर या नीचे आते जाएगा। तो मूव फेसेस ऑप्शंस एकदम सिंपली आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसके लिए बस मूव फेसेस लेके आपको मैं दिखा देता हूँ। दोबारा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, और ये पॉइंट से लेकर ये मिड पॉइंट तक लेके जाना है। चलिए आ गया, नीचे ऊपर लेना है तो ऊपर ले सकते हैं आप। तो मूव फेसेस ये दूसरा ऑप्शन जो कि इसमें था। कॉपी फेसेस यानी कि इसके ऊपर का फेस जो है, राइट क्लिक करके एंटर सिलेक्ट करके पहले सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है इसका कॉपी फेसेस। आप देख सकते हैं, दोबारा मैं दिखा देता हूँ कॉपी फेसेस। यहाँ पे सर्कल के सरफेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक एंटर किया, और एक कॉर्नर से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया नीचे। तो सर्कल का बस सरफेस आ चुका है, ये सरफेस यहाँ पे कॉपी होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कॉपी फेसेस इसको बोला जाता है दोस्तों। ऑफसेट फेसेस में ऑफसेट फेसेस बिल्कुल एक्सट्रूड की तरह ही काम करता है दोस्तों। तो एक्सट्रूड फेसेस की तरह, जी हाँ एक्सट्रूड फेसेस की तरह। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो राइट क्लिक कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 एंटर करूंगा तो ऊपर बढ़ेगा, और -2 करूंगा तो ऑफकोर्स ये ऑफसेट फेसेस -2 करने के बाद यहाँ पे नीचे चला जाएगा। मैं पहले एस्केप बटन प्रेस करूंगा और ऑफसेट फेसेस दोबारा लूंगा, सिलेक्ट फेस, राइट क्लिक एंटर, और -2 दिखाई दे रहा है। ऑफसेट फेसेस वैसे काम कर रहा है, ऑफसेट ले रहा है उस फेसेस का। डिलीट फेसेस भी ऑप्शन है, लेकिन डिलीट फेसेस कुछ काम का नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं डिलीट फेसेस करता हूँ, कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। लेकिन डिलीट फेसेस आप फिलेट पे जरूर कर सकते हैं। एफ इंटर करिए, एफ इंटर पता है आपको, 2D में मैंने बताया था एफ मतलब फिलेट, आर इंटर मतलब रेडियस। तो मैं इसको 2 का फिलेट देता हूँ दोस्तों, 2 का दे दिया मैंने 2 का, और इसको मैं 2 का फिलेट दे रहा हूँ। इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 शेप नहीं सिलेक्ट करने की या 2 लाइन नहीं रहती है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना और डबल एंटर कर देना है, फिलेट हो चुका है। तो इस फिलेट को डिलीट करने का काम ये डिलीट फेसेस करता है। जी हाँ, डिलीट फेसेस मैंने सिलेक्ट किया है, और मैं इस पे देखिए ये मिडल लाइन पे क्लिक करूंगा मैं, ये 3 लाइन रहती है फिलेट की, तो मिडल लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक और एंटर करूंगा, तो ये फेस जो मैंने फिलेट किया था वो डिलीट हो जाता है। तो डिलीट फेसेस इस तरह से काम करता है दोस्तों। डिलीट फेसेस समझ में होगा, और जैसे आपने टैपर किया वैसे ही काम करता है रोटेट। जी हाँ, टैपर की तरह रोटेट काम करता है, रोटेट फेसेस। क्लिक कीजिए इस पे, राइट क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, और इस फेस को चलिए ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये शेप ले लेता हूँ, मैंने ये लाइन ले ली है, लेकिन ऑब्जेक्ट सामने का ही चलिए 20 ले लेता हूँ, रोटेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे, रोटेट एंगल 20 दे दिया, अंदर चला गया। -20 अगर मैं देता दोस्तों तो वो ऊपर चला था, वो एग्जाम्पल दिखाना ही पड़ेगा मुझे आपको, तो समझ में आएगा। चलिए रोटेट फेसेस दोबारा सिलेक्ट, राइट क्लिक एंटर, और मैं ये फेस लूंगा, ये पूरा लाइन लूंगा तो सामने वाला फेस ऊपर नीचे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यही लिख के दिखा देता हूँ आपको, -20, इन दोनों को लिया मैंने -20, और आपको दिख रहा है ये ऊपर आ चुका है। तो ये टैपर की तरह ही रोटेट होता है, टैपर और रोटेट में इस तरह से ही ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है।
एंड लास्ट ऑप्शन हम सीखेंगे उसमें कलर फेसेस। तो ये टूल्स बस जान लो, आप कलर फेसेस के लिए भी सिलेक्ट करना है फेस को, राइट क्लिक एंटर करना है और आप जो चाहिए मर्जी कलर दे सकते हैं। और एक बात याद रखना है कि एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट के कलर फेसेस, मतलब ज़्यादा फेसेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के फेसेस एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो फेसेस है जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा फेसेस जो कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, ये बस मैं आपको टूल्स पढ़ा रहा हूँ, कोई ड्राइंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपके टूल्स एक बार परफेक्ट हो जाएंगे तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि आप एक ड्राइंग बनाने के लिए परफेक्ट हो दोस्तों। तो मैं आपको ड्राइंग जरूर पढ़ाऊंगा 3D के अंदर, 3D के अंदर डायरेक्ट ड्राइंग लूंगा तो बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं और मैंने आपको टूल्स पढ़ाए नहीं है तो समझ भी नहीं आएगा कि ये टूल्स कहाँ से आए, इसका यूज़ क्या होता है, और थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट जाए, और आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको ईजी टास्क देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। कैड में नए हो या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को दोस्तों। मैं मिलूंगा अगले कैड के वीडियो के अंदर जिसमें रहेगा 3D का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये है 3D सीरीज, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।